बरुराज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर आभूषण व्यवसायी से 10 लाख रुपए की लूट की। जिले में अपराधियों ने गुरुवार रात अलग अलग जगहों पर जमकर तांडव मचाया। पहले सकरा थाना क्षेत्र में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बरुराज में आभूषण व्यवसायी से 10 लाख के जेवरात लूट लिए। घटना मोतीपुर साहिबगंज रोड स्थित चन्ही चौक के पास घटी। व्यवसायी मुन्ना चौधरी शहर से आभूषण की खरीदारी कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 6 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका। जब वे बाइक स्पीड से भगाने लगे तो पीछे से टक्कर मार दिया। संतुलन खोकर वे गिर पड़े। इस पर सभी अपराधी उन पर टूट पड़े और जमकर मारपीट करने लगे। एक अपराधी ने डिक्की खोलकर उसमें रखे जेवरात लूट लिए। उनके पास 35,000 रुपए कैश भी था, उसे भी लूट लिया। जेवरात में सोने का हार, डायमंड सेट और अंगूठी था। उनका आभूषण दुकान बरुराज में है। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थानेदार राजकुमार मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। बताया कि 2 बाइक से 6 की संख्या में अपराधी थे। सभी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच रही होगी। अपराधियों ने मारपीट के बाद गन पॉइंट पर उन्हें कब्जे में ले लिया। मुंह खोलने या शोर मचाने पर गोली मारने की धमकी दी। इससे वे सहम गए थे। अगर थोड़ी भी विरोध करते तो अपराधी उन्हें गोली मार देते। लूटपाट के बाद अपराधियों ने उनका मोबाइल छीनकर झाड़ियों में फेंक दिया, फिर पिस्टल लहराते हुए वहां से भाग गए। जोधपुर से आ रहे थे। अच्छा। 200 ग्राम के करीब में जेवर था। अच्छा। एक डायमंड उंगली था। अच्छा। एक अपाची पहले से आगे खड़ा था, पीछे से अपाची वाला आया। अच्छा। ओवरटेक करके साइड करके गिरा दिया और हाथापाई करके दिया। क्या क्या जेवर में था? डायमंड का उंगली था, 2 हार था और वही मंगलसूत्र सब लेके था, 200 ग्राम। कितने कीमत का था? 10-12 लाख के करीब। 10-12 लाख का। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार चौधरी। कहाँ घर हुआ? बोराज। कहाँ दुकान है? बोराज थाना कैंपस में। थाना कैंपस में। ये घटना कितने बजे हुआ है? टाइम तो नहीं देखे, वही 7 बजे के करीब। 7